मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर के उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के लदेड़ी में रहने वाली एक युवती के साथ गब्बर ओझा नामक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर दिया। गब्बर ओझा नामक यह युवक लदेड़ी की रहने वाली 22 साल की युवती के संपर्क में था। उसने किसी तरह युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे शादी करने का झांसा देकर महीनों तक अपने संपर्क में रखे रहा। इसी दौरान उसने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। बाद में दलित युवती से आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। गब्बर ओझा से निरंतर संपर्क में रहने के कारण युवती गर्भवती हो गई थी। गब्बर ने जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया। अब इस युवती ने गब्बर के खिलाफ दलित उत्पीड़न, गर्भपात और धमकाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी गब्बर ओझा की तलाश शुरू कर दी है। हरियारिया द्वारा थाने पर उपस्थित होकर आवेदन देकर एक अपने बलात्कार के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मकान मालिक के लड़के ने बैला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे उसके अनचाहा गर्भ पेट में आ गया, जो कि एबॉर्शन कराने पर उसको पता लगा और उस पर आकर हमने अभी अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना जारी है। आरोपी की तलाश जारी है।